हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां आपको मिलेगा ढेर सारा नॉलेज, पॉजिटिविटी, अवेयरनेस। जी हां, इस शो का नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी। दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसा इलाज है, एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके थ्रू अनहोनी टाली जा सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में। साइटिका एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, ये तब समझ में आ सकता है जब इसके बारे में नॉलेज हो। अमूमन तौर पर देखा गया है कि लोगों के बीच में साइटिका जैसी बीमारी का नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से मिथ्स का जन्म होता है और जहाँ मिथ्स हो वहाँ तकलीफें और भी बढ़ जाती है। इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम साइटिका जैसे विषय के बारे में किसी एक्सपर्ट से जानें। तो देर किस बात की, चलिए बात करते हैं, रूबरू होते हैं हमारे डॉक्टर प्रोफेसर अनवर अमीर अंसारी जी से। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने अपने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायोसाइकोसोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर सहित कई जटिल बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और लोगों को एक सफल इलाज उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ खुशहाल जीवन देना। वेल दोस्तों, प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी जी आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद है, तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब। हेलो, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। वेल दोस्तों, सेहत है तो सब कुछ है। अगर कोई भी सवाल सेहत से जुड़ा आपके जहन में आता है तो देर मत कीजिए। टीवी स्क्रीन पर लगातार कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रही है, आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर अनवर साहब से या उनकी टीम से। वेल, इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज का जो विषय है साइटिका, बेसिकली साइटिका होता क्या है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि साइटिका एग्जैक्टली, अगर पेन है भी साइटिका का तो उन्हें ये नहीं पता कि ओके ये साइटिका है। तो एग्जैक्टली कैसे पता करें कि साइटिका क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? देखिए सुनील जी, जो साइटिका जो बीमारी का जो नाम उत्पन्न हुआ, ये कैसे हुआ? एक हमारे जिस्म में एक नर्व होती है, नस, जो कि हमारे स्पाइन में जो नसें निकलती हैं, नर्व्स निकलती है, वहाँ से होते हुए लोअर लिम्स में सप्लाई करती है, जिसका नाम है साइटिक नर्व। तो अगर साइटिक नर्व ये कमर से निकल कर जो है हमारे पूरे हिप से होकर, बटक से होकर नीचे पैर तक का सप्लाई करती है, अगर उस नर्व में कोई इरिटेशन अगर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और पेन होता है, तो उसे हम कहते हैं साइटिका। अगर वो ये जो होता है उसकी वजह ये है कि हमारे लंबर स्पाइन में जहाँ से नसें निकलती है, वो नसें निकल का जो रास्ता जो होता है उस पर प्रेशर पड़ता है। अभी आमतौर पर जो प्रेशर पड़ता है वो डिस्क, जो दो वर्टिब्रे के बीच में डिस्क होता है, उसको हर्नेशन हो जाता है, मतलब कि वो खिसक जाती है, हम स्लिप डिस्क जिसे कहते हैं। हल्की सी बार अगर आ गई तो प्रेशर पड़ता है, पेन होता है, सूनपन पड़ता है, जलन होती है और फंक्शन में प्रॉब्लम, इमोबिलिटी हो जाती है पेन के अंदर, अगर सीवियर अगर हो। अगर डिस्क का प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा है तो आप बिस्तर भी पकड़ सकते हैं इस किस्म के। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिस्क प्रोलैप्स, द पेन एंड द सिम्पटम विल कम अप। एक तो ये हो गया डिस्क का, दूसरा और कोई वजह अगर है। डॉक्टर अनवर साहब, इसी के साथ में अगर आप इजाज़त दें तो आज के शो का पहला कॉलर हमसे जुड़ना चाहता है। जी, ये तो लेते हैं पहला कॉल। हेलो। हेलो, नमस्कार, होम्योपैथी अनहोनीपैथी में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दीपक बोल रहा हूँ, बिहार से। जी दीपक जी, अभी मैं आपकी बात करवाने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब से, आप अपना सवाल उनसे पूछ सकते हैं। जी फरमाइए दीपक जी। जी डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ पिछले 7-8 सालों से। जी फरमाइए। सर्दी, सर्दी जुकाम है। जी मतलब ठंडा खाए ना खाए, गर्मी का दिन हो, बारिश हो, कभी भी सर्दी जुकाम हो जाता है और नाक से इतना पानी आता है, ऐसा होता है, और छींकें बहुत ज्यादा आती है। जी बहुत ज्यादा आती है और सारी दवाई करके थक गया, अब एक होम्योपैथी बचा है जिससे मुझे भरोसा है। मसला ये आपका जो नेजल एलर्जी का है। अभी आप देखिए कि नेजल एलर्जी जो होती है ये ऐसी किस्म की है कि
इसका हम लोग जो होम्योपैथी में जो बैकग्राउंड जो देखते हैं वो सोरा है, एक मायाजम जिसे हम कहते हैं सोरा है। तो जब तक कि एंटी सोरिक रेमेडी नहीं मिलेगी उसको होम्योपैथी के जरिए, तो जड़ से नहीं जा सकती है। लेकिन होम्योपैथी जो ऐसी पैथी है जो कि आपकी जड़ बुनियाद से काम कर सकती है, इसके अंदर दो अप्रोच होते हैं कि एक तो एक्यूट के अंदर जो आपकी जो सर्दी कम की जाए, और दूसरा क्रॉनिक तौर के ऊपर जो टेंडेंसी जो बार बार होने की इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा जी, तो कुछ दवाई बताएं क्या डॉक्टर? आप जो है बेस्ट ये हो सकता है कि आप हमारे क्लिनिक पे फ़ोन कीजिए, थोड़ी डिटेल्स बताएं, उसके हिसाब से आगे जो करना है हम आपको बताएंगे। मुझे एक चीज बताइए कि सर्दी जुकाम अगर मान लीजिए आपको होता है, तो उसके उसका कुछ पेट के प्रॉब्लम से भी, डाइजेशन से भी संबंध है क्या? डाइजेशन से संबंध तो है। देखिए दवाइयाँ अलग अलग हम लोग इसी हिसाब से देते हैं कि ये केस में इसके पीछे क्या है। ज़रूरी नहीं कि डाइजेशन से हो, एक एक कॉज हो सकता है कि भाई आपका पेट अपसेट है तो आपको इस किस्म से हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही एक चीज़ हो, और भी दीगर चीज़ें उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एक हम लोग एक ब्रांडिंग करके एक पूरा कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि इसकी वजह से होता है। अच्छा। कुछ केसेस में हो सकता है, और सर्दी के लिए भी इसी किस्म की, अगर समझो सर्दी जो है आपको पेट की तकलीफ की वजह से है तो उसकी दवाइयाँ अलग होगी, अगर लेकिन कोई और वजह से है तो उसकी दवाइयाँ अलग होगी। तो हमको बैलेंस करके जानना पड़ेगा कि क्या क्या हो, बेसिक आपके पीछे आपके केस में क्या कॉज है, क्या वजह है, उसके हिसाब से फिर काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। वेल दोस्तों, इसी के साथ में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो अस्थमा से जुड़ा हो या सर दर्द से जुड़ा हो या किसी भी बीमारी से क्यों ना जुड़ा हो, कोई भी सवाल जो सेहत से जुड़ा है, उसका जवाब आप डॉक्टर अनवर साहब से पा सकते हैं। अगर इस शो के दौरान आप कॉल करते हैं तो आप बात कर सकते हैं डॉक्टर अनवर जी के साथ, अगर नहीं नंबर बिजी आता है तो डॉक्टर अनवर साहब या उनकी टीम से आप कभी भी इस कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अनवर साहब और उनकी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। वेल इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साइटिका में सर्जरी, ये नॉर्मली कहा जाता है कि अगर साइटिका का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सर्जरी ही उसका लास्ट एक सॉल्यूशन है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या होम्योपैथी में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें भी सर्जरी ज़रूरी है करना, या सर्जरी अवॉइड की जा सकती है? देखिए मैं खास तौर पर दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे सब सिस्टम ख़त्म हो जाता है, हाथ उठा लेते हैं कि ना अभी इसका रास्ता तो यही है, तो वहाँ पर होम्योपैथी शुरू होती है। और होम्योपैथी में उस टाइप के केसेस भी जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से या सर्जन के हिसाब से सर्जरी करना लाजमी है, ऐसे केसेस में भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है दवाइयों के ज़रिए। इस किस्म के सीवियर केसेस भी दवाओं से ठीक हो सकते हैं। सर्जरी जब बात आती है तो सर्जरी का जब डॉक्टर जो एडवाइस करता है, सर्जन एडवाइस करता है कि पेन किलर काम नहीं कर रहा है और जो नसें जो नर्व्स जो निकल रही हैं लंबर स्पाइन से, वो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उनके लिए अनिवार्य हो गया। तो ऐसे केसेस के अंदर, और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि मैंने हर डिस्क के हर प्रोलाप्स के बारे में बताया, कोई ट्यूमर हो सकता है वहाँ पर जिसके वजह से प्रेशर पड़ रहा है, या और कुछ डिजनरेटिव चेंजेस लंबर स्पाइन में हो रही है, या साइटिका की वजह से हो या और दीगर बुनियादी तौर के ऊपर हो, या डिजनरेशन की वजह से भी मतलब के प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो ना सिर्फ अगर सिर्फ ये प्रेशर की वजह से है, अगर ट्यूमर भी अगर है आपके स्पाइन के अंदर जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, तो वो भी मुमकिन है कि आपको होम्योपैथी दवा से फ़ायदा मिल सकता है। जहाँ हम पेशेंट को समझने में सक्षम नहीं है वहाँ हम कामयाब नहीं होते, जहाँ पेशेंट को समझ में सक्षम हो जाते हैं, बीमार को समझने में सक्षम हो जाती है, तो वहाँ पर जो देयर इज नो लिमिट टू रिएक्शन ऑफ होम्योपैथी। एब्सोल्युटली डॉक्टर अनवर साहब, और इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे अगले कॉलर का, तो इजाज़त दें अगले कॉलर जी। हेलो, हेलो, नमस्कार, होम्योपैथी अनहोनीपैथी में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम स्मिता पाठक है, मैं बरेली से बात कर रही हूँ। स्मिता जी, अभी मैं आपकी बात करवाने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब से, आप अपना सवाल उनसे पूछ सकती हैं। जी फरमाइए स्मिता जी। डॉक्टर एक्चुअली मुझे कुछ साल पहले, मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ और मुझे कुछ साल पहले से ही बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और मेरा अपर बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है। बीच में मेरे पेरेंट्स ने ऐसा ट्रीटमेंट कराया था और एलोपैथी में भी मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो पेन किलर वगैरह ये सब लेने से आराम तो हो गया था, लेकिन वो चीज बार बार कुछ कुछ टाइम के गैप पे होती रहती है। और अभी कुछ एक महीने से मैं लगातार बहुत ज्यादा परेशान हूँ बैक पेन से।
मैं बैठती हूँ या लेटती हूँ, कुछ भी करने पे आराम नहीं मिलता। अभी ये आपका जो पेन जो होता है वो कहाँ पर होता है? अपर बैक में होता है, लोअर बैक में? हाँ, वो अपर बैक में, शोल्डर्स के पास बहुत रहता है। अपनी एज कितना बताया आपका? मेरी एज 28 इयर्स है। हाँ, तो बहुत यंग एज है आपकी। तो जी, जो डीजनरेशन जो प्रोसेस होता है, तो हो सकता है कि एक वजह उसकी होती है। इतने अर्ली एज में नहीं होना चाहिए डीजनरेशन, लेकिन आजकल तो ऐसा ट्रेंड चला, मैंने जैसे आपको बताया कि माइंड जो कॉज होता है सोसाइटी में इतना कॉमन चीज़ हो गया है कि डिवेल्यूशन का, तो हो सकता है कि इस किस्म की शिकायत शुरू हो जाए। तो मेरा मशवरा पहले आपको ये कि आप अपना एक्सरे करवाइए, एक्सरे करवा के देखिए कि मतलब कि कहीं डिजनरेशन तो नहीं है। एक हो सकता है कि मसल्स स्पैज्म की वजह से भी आपको हो सकता है पेन, जो कॉमन है। और जो इतना स्ट्रेस आप लेती है एज अ डांसर, तो मुझे पता नहीं किस तरह का आप डांस करती है, लेकिन अगर हील पहन के अगर डांस करती हैं आपको, तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर रीज़न है कि बराबर से आपको फुट को रेस्ट नहीं मिलता है, और जो पोजीशन की वजह से अपर बैक में पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है, तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा अगर इस किस्म का मामला है। तो आपको ये देखिए, मोस्टली मुझे लगता है कि आपका जो मामला है जो है ये पोस्चरल है, और अपर बैक के मसल्स के अंदर शोल्डर्स में मसल स्पाजम होता है। हो सकता है कि स्ट्रेस आपको हो, हमने देखा है जहाँ पर स्ट्रेस होता है तो मसल में स्पाजम आता है और प्रॉब्लम ऐसा होता है। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि कोई किस्म का स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग पर रहता है क्या आपको? हाँ, स्ट्रेस तो रहता है थोड़ा। जी, अगर नहीं थोड़ा है तो ठीक है, अगर नॉर्मल तौर पर जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी अगर बात है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है, आप उसी में अगर उलझे हुए हैं, ऐसा अगर कुछ अगर है, तो ये आपको कंसिस्टेंट रह सकता है, ये पोस्चरल फिर नहीं है। तो आप पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका ये मसल स्पाज्म खाली उसके वजह से है या कोई बोन में पैथोलॉजी है, आपको पहले ये इवेल्यूएट करना पड़ेगा। और अगर बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ सिंपल दवाइयों से आपका मामला हल हो सकता है, कोई गहरी बीमारी से बीमारी नहीं लगेगी। तो अगर डिजनरेशन का प्रोसेस है तो हो सकता है कि उसमें कुछ अरसे तक का आपको लंबा इलाज करना पड़ सकता है। सर, होम्योपैथी में कोई पर्टिकुलर ऐसी दवा है जो अगर मुझे तुरंत में रिलीफ दे सके कुछ जी, समय अगर मैं लगातार? बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि अलामतों के बुनियाद पर यानी सिम्टम्स के बुनियाद के ऊपर दी जाती हैं। अगर आपके सिम्टम्स कम्प्लीट मिल जाएंगे तो हम कुछ हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर। मैं गुजारिश करूँगा, अगर आप नहीं आ पाते हैं हमारे हमसे नहीं करना चाहते हैं, तो आपके जो लोकल जो शहर के अंदर अच्छे डॉक्टर होम्योपैथी वाले हैं उनसे संपर्क कीजिए। हमारे देश के अंदर 2 लाख से ज़्यादा होम्योपैथी डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज से निकले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनका भी फ़ायदा उठाएं, और ये जो हमारा मैसेज है होम्योपैथी का, घर घर होम्योपैथी, दर दर शहद, ये आप कहाँ आम कीजिए। और इसके लिए हम जो हमारे जो हम पूरे दुनिया हमारे देश में फैले हुए डॉक्टर्स के साथ में मिलकर हम ये अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच स्मिता फॉर कॉलिंग अस। वेल दोस्तों, इस शो के शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा था कि साइटिका को लेकर सभी के अमूमन तौर पर जहन में मिथ्स बहुत है, और जहाँ मिथ्स घर घर जाते हैं वहाँ पर देखा क्या है कि हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, गलत सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। तो मेरी एक दरख्वास्त है आप सभी से कि ऐसा ना करें। अगर साइटिका से जुड़ा कोई भी सवाल या कोई भी सिम्टम आपके शरीर में आ चुका है तो तुरंत एक्सपर्ट से संपर्क करें, और इसलिए तो हम यहाँ पर मौजूद है, यानी कि डॉक्टर अनवर साहब इस शो में मौजूद है। कोई भी सवाल आपके जहन में आए तो तुरंत आप कॉल कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने कहा था कि सारे इलाज जब करके भी थक जाता है इंसान और साइटिका क्योर नहीं होता है तब आपके पास आता है, बट क्या ये मुमकिन है कि कोई एक पैथी जब चल रही हो, से फॉर एग्जाम्पल एलोपैथी अगर उसका इलाज चल रहा हो, तो उसके साथ साथ हम होम्योपैथी का भी इलाज शुरू रख सकते हैं साइटिका के लिए? देखिए कि दुनिया में आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हमारे साइंस के हिसाब से और हमारे हिसाब से। वेल हिंदुस्तानी लोग तो एडजस्टमेंट में जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, बाहर है कि आपको भाई आपको लेना है, क्योंकि वो जो आपको जो दवा चलेंगे आपको टेम्पररी काम करेगी पेन करके ऐसा। वेल डॉक्टर अनवर साहब, आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये देख के आपको वाकई में बहुत खुशी होगी, बहुत ही खास स्टोरी है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो देखते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। जी जी, मैं डॉक्टर नैना मेहता, MBBS, प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, 65 ईयर्स ओल्ड। मुझे 2006 में सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ था। मेरे छोटे और बड़े सब जॉइंट्स इन्वॉल्व थे। बीमारी की शुरुआत जो हुई तो मैं पेन नहीं पकड़ सकती थी, फिर किचन में आई कुड नॉट वर्क, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे आर्थराइटिस हो रहा है। मुझे थोड़ी थोड़ी डिसेबिलिटी के साथ डिफॉर्मिटीज़ भी चालू हो गई थी।
पहले एलोपैथी मेडिसिन लिया, रेमिशंस आते थे लेकिन टोटल क्योर नहीं था। एलोपैथी में मुझे स्टीरॉइड्स कहे गए तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं स्टीरॉइड्स नहीं ले सकती बिकॉज मैं डायबिटिक भी हूँ। देन मिस्टर नरूला ने मुझे डॉक्टर अंसारी का नाम सजेस्ट किया और मैंने उनसे ट्रीटमेंट लेना चालू किया एंड आई वॉज लिटरली क्योर्ड विद इन 7 मंथ्स। ऑलमोस्ट यू कैन से 90% तक मुझे आराम हो गया है एंड टुडे आफ्टर 12 ईयर्स स्टिल आई एम वर्किंग। अदरवाइज आई वॉज जस्ट बेड रिडन एट दैट टाइम और मेरी फैमिली और डॉक्टर साहब सब ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। मैं डॉक्टर अंसारी जी की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी होती है ऐसे केसेस जब हम देखते हैं आपके, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस केस के बारे में? जैसे मैंने आपसे कहा कि जहाँ पर सब पैथी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर होम्योपैथी शुरू होती है। ये केस ऐसा ही है जी। ये बजाते खुद एक बहुत रिनाउंड एंड हैवी अच्छी प्रैक्टिस वाली MBBS डॉक्टर हैं। क्या बात। हाँ, और बहुत रोलिंग प्रैक्टिस है इनकी। और इनको जैसे उन्होंने बताया, इनको जो प्रॉब्लम होता आर ए यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस किस्म की सीवियर पेन्स और डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो गई थी। और जैसे मैंने बताया कि हर एक बीमारी के पीछे एक स्टोरी होती है, इनकी भी एक स्टोरी थी कि जब मैंने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ताल्लुक वैल्यूएशन डिवैल्यूएशन के साथ में है, तो इसके इनके बैकग्राउंड में भी यही था। हमने उन्हीं को वही समझा कि भाई क्या है, पूरा समझा इनके जो पूरे नेचर के बारे में हमने मालूमात की कि माइंड उनका कैसा है, किस किस्म के सिम्टम्स है, पूरा समझने के बाद में हम जब दवाई दी तो ना सिर्फ इनकी आरए के अंदर इम्प्रूवमेंट आया, ना सिर्फ इनकी डिफॉर्मिटीज कम हो गई, पेन फ्री हो गए। या ये लेडी जो है मतलब 7-8 महीने तक का बिल्कुल क्लिनिक बंद कर चुकी थी क्योंकि उसको मतलब बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती थी और लोगों को ऐसा लगा कि मतलब क्या हो गया, डॉक्टर को डॉक्टर है या नहीं है, कि कहीं नहीं था कि चले तो नहीं गई। तो इस किस्म से इनको ये था बिकॉज 8 महीना एक रोलिंग प्रैक्टिसर अगर समझो आप क्लिनिक बंद कर देता उसका एहसास जो रद्दअमल जो होता है आप समझ सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये हमारे पास में जब आई कि हमारे एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने रेफ़र किया था इनको, वो भी हमारे बहुत अजीज़ दोस्त भी है, पेशेंट भी रह चुके हैं सब कुछ, तो उनके रेफरेंस से ये आई। और जब मैं देखा तो उनको बहुत बेचारी मेंटल तौर के ऊपर और फिजिकल तौर के ऊपर एकदम डिमोरलाइज थी। हमने जब समझने के बाद में जब इलाज जब शुरू किया तो ना सिर्फ उनका आरए बल्कि उनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ थी। फॉर एग्जांपल उनको हार्ट का इशू था और शुगर का लेवल था, वो सब चीज़ें भी मतलब साथ साथ में कम होते गए और ख़त्म हो गई। आज आप देखेंगे उनकी डिफॉर्मिटीज़ पूरी चली गई है, डिफॉर्मिटीज़ का नामो निशान नहीं है। पहले के सीटी स्कैन उनके पास मौजूद है जो डिफॉर्मिटीज़ के साथ में, हो सकता है कभी आगे जाके हम उनसे कुछ बात करें कि आप वापस से फॉलोअप सीटी स्कैन निकालो। क्योंकि ये केस ऐसा, मैंने कहा कि नायाब केस है, हम जो केसेस जो ये जो आपका जो प्रोग्राम है इसका नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी, जहाँ पे अनहोनी होती है, आज तक डिफॉर्मिटी जहाँ पे हुई वो गई नहीं है, इस किस्म से ऐसा होता है। लेकिन होम्योपैथी वो साइंस है जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पर भी चीज़ें इस किस्म से हो सकती है, नायाब साइंस है। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी अनहोनीपैथी, डिफॉर्मिटी चले गई, सीटी स्कैन करा के हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है उनका, पहले में क्या था और अभी क्या है, हो सकता है कि ये बहुत बड़ा एविडेंस बन जाए आगे के लिए, हमारे खुद के लिए और पूरे समाज के लिए एविडेंस बन जाए। एब्सोल्युटली डॉक्टर अनवर साहब, थैंक यू सो मच, आपने जो इतनी अमूल्य जानकारी हमें दी और हमारे तमाम दर्शकों को इतना अवेयरनेस आपने दिलवाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दोस्तों, इसी के साथ अगर कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो साइटिका के लिए या फिर किसी भी बीमारी के प्रति कोई भी सवाल आपके जहन में हो और अगर आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं डॉक्टर अनवर साहब से उनकी टीम से, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, KD टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल 400008। हमारे फोन नंबर्स हैं 02-2300-4757, 02-2300-5757 और 9930950750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com।
सो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय चाहूंगी आप सभी से लेना इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में, जिसका नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी, एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।